हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये मैं आज अपनी नर्सरी में आया हुआ हूँ। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा प्लांट हैं। ये इसमें कोनों का प्लांट है, ये इसमें मिंट का प्लांट है, मिंट, उसके बाद भी काफ़ी प्लांट है, एलोवेरा जैसा कि सब कुछ। आज लेकिन मैं आपको जिसकी वीडियो बताऊँगा वो है ये प्लांट। ये है मोतिये का प्लांट, आप इसको देख सकते हैं। ये मोतिये का प्लांट है और ये वो मोतिया है जिसके फूल बनते हैं। इसमें से तरह तरह के फूल निकलते हैं जो कि खुशबूदार होते हैं। ये वो है जिसे हम जो होते नहीं, वो हार हार जो बनाते हैं, हार के अंदर ये वाले प्लांट के फूल लगते हैं। ये देखिए, आज मैं आपको इसकी ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। ये प्लांट के पत्ते हैं, जैसा कि ये पत्ता आपको गोल नज़र आ रहा है, सिंपल ये पत्ता है। इसकी अपर साइड है, ये इसकी लोअर साइड है। देखें कैसे इसके ऊपर ये टेंटिकल्स हैं और ये इसका पत्ता है। इसके ऊपर कोई जानवर अटैक नहीं करता, अगर करेगा तो सिर्फ बैठेगा, इसे कोई नुकसान नहीं देगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि फूल कहाँ से निकलते हैं। तो ये देखें, ये जो ये है, यहाँ से इसका फूल निकलेगा जब ये बड़ा होगा। तो तकरीबन एक प्लांट पर अच्छे खासे फूल निकल जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ से इसका फूल निकलेगा। तो ये मैंने एक छोटे गमले में रखा हुआ है, अगर आप इसे एक बड़े गमले में रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल देंगे। देखें, एक ये यहाँ से फूल है, उसके बाद यहाँ से फूल हैं और यहाँ से ऊपर भी फूल हैं। ये देखिए, सारे फूल ही फूल हैं जो निकलने वाले हैं। देखें, ये फूल है, ये तकरीबन निकलने वाला है, 3-4 दिनों में ये फूल भी निकल जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये उसके बाद इसका आपको तना दिखाता हूँ। जो इसका तना है, ये बिल्कुल नाजुक तना होता है, इतना मोटा तना नहीं होता। बाकी ये इसकी मिट्टी है, जैसे इसकी सॉफ्ट मिट्टी है, मैंने भी इसे पानी दिया है, तो ये इसकी मिट्टी बहुत वो है, जो चिपचिपी होती है। इसकी जड़ें हैं मिट्टी की, ये घस की मिट्टी होती है। इसे आप सिर्फ घस की मिट्टी दें और दिन में एक दफ़ा पानी देने की ज़रूरत है। और ये बेल की सूरत में होता है, आप इसे यहाँ तनी से ऐसे कोई धागा बांध के अगर आप इसे कहीं ऊपर दीवार पर लगा भी देंगे तो ये उसी के साथ साथ ग्रोथ करता रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि आप कैसे अपने घर में मोतिये के प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं। कि आपने सिर्फ एक मोतिये का छोटा प्लांट भी लिया है तो वो भी ग्रोथ हो सकता है। तो इससे सिर्फ दिन में एक दफ़ा पानी देना और ये आपका घर पूरा महकता रहेगा फूलों से, अगर इसने फूल पकड़ लिए तो। तो आपको एक मशवरा मुफीद ये है कि आप इसे बाहर के मौसम में ले आएं। बाहर के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फूल निकलते हैं, जैसे ये देखें, यह बाहर ख़त्म हो गया खिदा, इसलिए इसमें फूल कम है, नहीं तो यहाँ से इसका मुकम्मल तना फूलों से भरा होना था और इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँगा। शुक्रिया।